नमस्कार, मैं आपका दोस्त शिवम और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का फिर से अपने नए ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि मैं अपने चैनल पर आप सभी को लगातार वीडियो दिखा रहा हूं कि आप गोपालगंज में सेकंड हैंड कार कहां खरीद सकते हैं, सेकंड हैंड बाइक कहां खरीद सकते हैं बैंक से खींची हुई। दोस्तों, मैं आज आप सभी को फिर से लेकर पहुँचा हूँ एक नई शॉप में, जो मैं अपने कैमरा पर्सन मतलब पीछे से दिखा सकते हैं, माँ लक्ष्मी मशीनरी स्टोर में। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं इस शॉप में पहुँचा हूँ और इस शॉप में मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ थ्रेसर। मैं अपने कैमरा पर्सन मतलब थोड़ा सा दिखाइए, थ्रेसर भी दिखाने वाला हूँ, रोडर दिखाने वाला हूँ। मतलब जैसे कि अभी इस टाइम इस मशीन को आप लेकर काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आज हमारे साथ है यहाँ के शॉप ओनर। सर, आपका स्वागत है मेरे वीडियो में। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा सर अपना शुभ नाम हमारे व्यूअर्स लोगों को बताएं। मेरा नाम मुन्ना कुमार यादव हुआ जी। अब मुन्ना कुमार यादव हुआ, और सर ये एड्रेस क्या होगा? सबसे पहले मतलब एड्रेस के बारे में बात कर लेते हैं कि ये आपका मशीनरी का एड्रेस क्या होगा? ये NH 28 साधु चौक है। NH 28 गोपालगंज, NH 28 साधु चौक, जो कि छोटा सा मार्केट है, मार्केट के ठीक बगल में ही है। जी 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 जी, बिल्कुल एकदम बिल्कुल NH के बगल में है जी, बिल्कुल। सर, आज हमारे व्यूअर्स को आप कौन कौन सी मशीनें दिखाने वाले हैं? जैसे कि थ्रेसर है, अभी रोडर है, और इधर मिट्टी काटने वाला भी मशीन है। तो हम लोग एक एक मशीन करके बात करते हैं ना कि किस पे और कितना किसका प्राइस है, ठीक है? और ये एक्चुअली मेरा आपसे एक और सवाल है, ये फाइनेंस को लेकर काफ़ी व्यूअर्स लोग का ये सवाल आता है फाइनेंस के बारे में। तो सबसे पहले तो हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या आपके यहाँ फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है? अभी तो नहीं है, लेकिन हम प्रयास में हैं कि फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध हो। जी जी, बातचीत चल रही है कुछ फाइनेंसरों से जी, तो आने वाले समय में उपलब्ध हो जाएगा जी, इस तरह का मतलब प्रयास है मेरा जी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले मिट्टी काटने वाले मशीन के ऊपर बात कर ले जी। सर, इस मशीन का थोड़ा डिटेल दीजिए। ये मशीन जो है मिट्टी लोड करती है काट के और ट्रैक्टर पे जी। ये 3 सेकंड में एक ट्रैक्टर मिट्टी लोड कर देगी। 3 सेकंड में एक टाली मिट्टी जी लोड कर देगी जी, बिल्कुल। ये सर किस कंपनी का ये जो ये राघविंद्रा का है जी जी, और ये पंजाब का बना हुआ है जी, बिल्कुल। तो मतलब इसका आप ऑन रोड प्राइस क्या रखे हैं? इसका प्राइस है 2,30,000। 2,30,000 रुपये इसका प्राइस रखे हैं। और ये अभी तो मतलब जैसे फाइनेंस के बारे में बताएं तो अभी आपके यहाँ शुरू होने वाला है। हाँ। और इसमें कुछ खासियत बताएंगे, इससे केवल मिट्टी ही काट सकते हैं कि और? नहीं, इससे केवल मिट्टी ही काट सकते हैं, लेकिन बहुत आसान तरीका से और बहुत कम समय में मतलब और ये कमाने का बहुत अच्छा साधन है जी, बिल्कुल। ऐसे मान लीजिए कि अगर मजदूर जो है मिट्टी लोड करता है ट्रैक्टर पे जी, या फिर और JCB है, तो उसमें लागत ज़्यादा आता है, इसमें बहुत कम लागत में और बहुत अच्छा प्रॉफिट होता जी, है जी। मतलब अगर किसी कस्टमर के पास अगर उतना बजट नहीं है कि मैं एक JCP ले सकूं, तो उससे अच्छा है कि ये लेकर जी, बिल्कुल, आप इजली अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं जो मिट्टी काटने का हो। तो मतलब इसको चलाने के लिए मान लो ट्रैक्टर चाहिए, 35 से और 42 HP के बीच का कोई ट्रैक्टर होगा तो उससे चल जाएगा जी, बिल्कुल। और इसका अगर वेट के बारे में बात करें तो सर कितने? इसका 12 क्विंटल वेट है। 12 क्विंटल वेट है जी। अपने जैसे कि आप लोगों ने देखा ये मशीन, और सर हमारी नेक्स्ट हमारे व्यूअर्स को आप कौन सी मशीन दिखाने वाले हैं? अभी ये रहा एक थ्रेसर है, मल्टी क्रॉप थ्रेसर जी। इससे धान और गेहूँ दोनों एक साथ जो है दोनों काम करेगा, धान और गेहूँ दोनों के लिए। धान और गेहूँ दोनों इससे दौरी हम कर, जैसे दोनों का जो है हार्वेस्टिंग होगा इससे जी। तो इसका क्या इसका थोड़ा सा 2,40,000 प्राइस है जी। और सरकारी सब्सिडी भी है कृषि विभाग द्वारा अनुदान पर जी, इसमें 80,000 रुपये अनुदान है जी जी। तो वो कैसे? उसके लिए ऑनलाइन फार्म है, कृषि विभाग का साइड है, उस पर ऑनलाइन फार्म भरा जाता है जी, और फार्म भर के और उसका लाभ लिया जा सकता है। 80,000 रुपये सब्सिडी है इसमें जी, बिल्कुल। मतलब इससे हम लोग धान की धान और गेहूं जी, बिल्कुल जी, दोनों का हार्वेस्टिंग होगा इससे जी। इसका ऑन रोड प्राइस क्या बता रहे थे आप? 2,40,000 रुपये। 2,40,000 को डिस्काउंट भी हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, उसमें ग्राहक आएंगे तो उस पर बात होगी। और ये एक्चुअली एक बता रहे थे कृषि विभाग जो फॉर्म है उसको अप्लाई करने के लिए क्या आपके यहाँ आने पड़ेगा या फिर कहीं और? नहीं, कहीं भी जहाँ नेट की सुविधा है ऑनलाइन वहाँ से आप कर सकते हैं। उसका ब्लॉग है कृषि विभाग का अपना जी, और उस पर जाके साइड पे जी, और उस पर ऑनलाइन किया जा सकता है। उसके लिए जरूरी कुछ कागजाते हैं जो डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेंगे, कौन चीज़? उसके लिए LPC लगता है, जिसको हम लोग लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट बोलते हैं, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र जी, वो नेसेसरी है जी। हाँ, उसके बाद आपका आधार और बैंक अकाउंट जी, जो आधार जो है आधार से जुड़ा हुआ बैंक अकाउंट चाहिए जी, बिल्कुल, ये दोनों चाहिए जी, बिल्कुल। और उसको हम लोग ऑनलाइन जो है करेंगे अप्लाई, और अप्लाई के बाद कृषि विभाग से उसका जो है आपको
80,000 रुपये का एक जो है डॉक्यूमेंट मिलता है, जिसको लेके आने के बाद से 80,000 रुपये काट कर और पार्टी को हम लोग दे देंगे। मतलब वो डॉक्यूमेंट अगर वेरीफाई करा कर लाते हैं तो इसका जो जो थ्रेसर उसमें 80,000 रुपये डिस्काउंट कर डिस्काउंट करके मिलेगा जी। जी बिल्कुल। तो ये तो जो थ्रेसर है तो से तीनों थ्रेसर सेम ही क्यों अलग अलग सब सेम है? ये तो तीनों सेम ही है और देख सकते हैं इसका फीचर और भी कुछ फीचर है तो सर हमारे व्यूअर्स को नहीं और भी है। अब छोटा थ्रेसर भी आता है इसमें जो केवल वन हार्वेस्टिंग करता है। इसे मान लीजिए गेहूं का अलग है, धान का अलग है, लेकिन ये जो है मल्टी क्रॉप थ्रेसर है, इसमें दोनों एक ही साथ काम होगा जी। इसका क्या वेट होगा? इसका वेट 15 क्विंटल है। 15 क्विंटल का है जी। मतलब अपने गोपालगंज में ही आप ले सकते हैं। काफ़ी व्यूअर्स लोग का तलाश रहता था कि गोपालगंज में हम कहाँ से ये थ्रेसर और ये जैसे कि अभी रोटर के बारे में बात। विभाग से जितनी भी कृषि से संबंधित यंत्र हैं वो सभी यंत्र हमारे यहाँ मिलता है जी। बिल्कुल। चाहे वो दवा छिड़कने वाला पावर स्प्रेयर हो, मोटर पंप हो जी, रोटर हो, जितना भी आधुनिक से आधुनिक यंत्र जो है मेरे यहाँ मिलता है जी। और सभी पे जो सरकार द्वारा सब्सिडी अनुदानित दर तय है वो सब मेरे यहाँ मिलता है जी। बिल्कुल। सरकार द्वारा अनुदानित दर। सर हम लोग नेक्स्ट हमारी कौन सी आप मशीन दिखाने वाले हैं? ये रहा मक्का थ्रेसर हुआ। मक्का थ्रेसर ये मक्का को जो मान लीजिए कि मक्का को जो आदमी हाथ से ही करता है जी, तो इसमें है कि 1 घंटा में 15 क्विंटल मक्का जो है जी हार्वेस्टिंग कर देगा। 1 घंटे में 15 क्विंटल क्विंटल। और थ्रेसर के बारे में हम बात की तो उसमें 200 बोझा जो है कम से कम मिनिमम 200 बोझा जो है हार्वेस्टिंग करता है जी। बिल्कुल। इसका क्या प्राइस रखे हैं? इसका है 60,000 रुपये। मात्र 60,000 रुपये देकर इसको ले जा सकते हैं अपने घर जी। उसमें भी कुछ सर डिस्काउंट वगैरह हो जाएगा जी। बिल्कुल। और हम लोग बात कर लेते हैं अभी रोटर के बारे में, क्योंकि अभी इसका काफ़ी डिमांड चल रहा है। तो इसके बगैर आजकल खेती करना असंभव हो गया है। पहले जो था कल्टीवेटर से खेती होता था, आधुनिक जमाने में आधुनिक तरीके से खेती करने के लिए ये जो है एकदम नेसेसरी हो गया, आवश्यक हो गया है जी। बिल्कुल। इसके बगैर जो है कोई भी खेती करना अब संभव नहीं है जी। हाँ, तो मतलब इसका क्या प्राइस ऑन रोड रखें? इसका प्राइस है 1,05,000 रुपया जी। हाँ, इस पर भी सरकार द्वारा अनुदानित दर पर सब्सिडी है जी। हाँ सर, इसमें ब्लेड वगैरह लगते हैं? ब्लेड इसमें 54 ब्लेड होता है। इसको जो है मिट्टी को काफ़ी भुरभुरा बना देता है जी। एक बार खेत में चला देने के बाद से जी खेत में दोबारा फिर हल नहीं चलाना है। मतलब एक बार चला दिया बस तो उसमें हो गया, उसमें जी उसका काम हो गया। मतलब आजकल गेहूं की रुपाई हो या फिर धान की रुपाई हो, मतलब हर चीज के लिए इम्पोर्टेंट है जी। बिल्कुल। सर ये मिट्टी को कितना इंच गहरा? 4 इंच गहरा कर 4 इंच गहरा पकड़ के उसको रोटेट करता है जी। बिल्कुल। उसमें जितना भी हल जो चलता है, मान ली कल्टीवेटर जब चलता है जी, तो मिट्टी को केवल काटता है जी, उसमें जो खर पतवार है उसको नष्ट नहीं करता है, लेकिन इससे वो सब चीज़ नष्ट हो जाता है। इसमें जो है ब्लेड लगा हुआ है वो बिल्कुल उसको काट के उसमें कंपोस्ट बना देता है, खाद बना देता है जी। बिल्कुल। मिट्टी मतलब में दबा खर वगैरह हो हाँ सबको काट कंपोस्ट बना देता है जी। बिल्कुल। मतलब और ये सब सर एक ही कंपनी के रोटर? अच्छा सर, इसमें कम बजट के भी तो आते होंगे ना रोटर में? हाँ, सस्ता में भी आता है, जो ब्रांड है वो छोटा कोई कंपनी है जो आता है सस्ता में असेंबल में जी। तो आपके पास उपलब्ध हो जाए जो कोई जो किसी को सस्ता में भी चाहिए तो मिल जाएगा जी। बिल्कुल। हमारे व्यूअर्स को आप नेक्स्ट कौन सी मशीन? नेक्स्ट ये है आपको चारा कल है, चिप्स कटर, चारा काटने की मशीन। अभी इसका भी काफी ज्यादा मार्केट में मार्केट है अभी। हाँ, जो मान लीजिए आपको ये दिखाए है मशीन जी, इससे जो दौरी होता है धान का जी, और उससे जो पुआल जो वेस्ट निकलता है जिसको हम लोग पुआल कहते हैं जी, उस पुआल को इससे एकदम बढ़िया से काट के और चारा में मतलब उसको जलाने का कोई जरूरत नहीं है। ये मशीन पे काट लीजिए और उसको फिर चारा का काम करेगा जी। बिल्कुल। तो इस मशीन की खासियत बताए थे कि इस मशीन में क्या क्या चीजें कटाई कर सकते हैं हम लोग? नहीं, चारा कोई भी चारा काट सकते हैं, कोई भी चारा। हाँ, कोई भी चारा काट सकते हैं, कोई भी जी। जैसे आपका मक्का हुआ जी, उसके बाद आपका ये ईख का पत्ता हुआ जी, जितना भी चारा है चाहे जिस किस्म का भी उसको इसमें मतलब आप इसमें भी कुछ कृषि भगा। हाँ, इसमें भी 40,000 रुपया सब्सिडी है। इसमें भी 40,000 रुपये की सब्सिडी है। तो फॉर्म अप्लाई के लिए आपने बताई दिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और इसका ऑन रोड प्राइस क्या रखे हैं? इसका ऑन रोड प्राइस 1,30,000 रुपया है। 1,30,000 रुपये इसका प्राइस रखे हैं। और सर मेरा आपसे एक और सवाल रहेगा, ये तो हमारे जितने यहाँ पे मशीनरी थी हमने उसके बारे में बात किया, जैसे कि तावा वगैरह हैं, तावा के भी है सब चीज़ है, तावा भी रखे हैं आपके? अभी तो सीजन नहीं है, फरवरी में नया आ जाएगा, जनवरी फरवरी में तावा का सीजन होता है, तावा और हर का। हाँ, तो मतलब आपके यहाँ सब कुछ उपलब्ध मिलेगा? कृषि विभाग से जुड़ा हुआ जी और कृषि से संबंधित जितने यंत्र होते हैं छोटा से लेकर बड़ा सभी चीज मेरे यहाँ उपलब्ध है जी और मिलता है जी। बिल्कुल।
तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा यहाँ पे जितने भी मशीनें थी हमने हर एक मशीने के बारे में बात किया। सर से मेरा एक सवाल रहेगा, सर मेरे वीडियो के माध्यम से मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर काफ़ी दूर दूर से आते रहते हैं, तो क्या आप उनके लिए कुछ सहूलियत देंगे, कुछ डिस्काउंट देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आपके माध्यम से अगर जो भी आएंगे ठीक है तो उनको हम अपने तरफ से 2% डिस्काउंट देंगे। जी बिल्कुल, तो दोस्तों 2% डिस्काउंट मिलेगा। जी बिल्कुल, तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने सुना, अगर आप मेरे वीडियो के माध्यम से यहाँ तक आते हैं तो आप लोग मेरा नाम जरूर लीजिएगा, मेरे चैनल का नाम जरूर लीजिएगा, आप सभी को यहाँ पे जरूर डिस्काउंट मिलेगा। और दोस्तों मैं यहाँ का पूरा एड्रेस आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, और साथ साथ सर का मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा, आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कॉल के थ्रू भी बात कर सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर से हैं, अगर चाहते हैं बुकिंग करना फ़ोन के थ्रू, तो सर उसके लिए कैसे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फ़ोन से बुकिंग कर सकते हैं। जी जी हाँ, तो कॉल के थ्रू भी आप यहाँ पे कोई भी मशीन बुक कर सकते हैं, और हर एक मशीन के बारे में आप लोगों ने जाना, और फाइनेंस की सुविधा बहुत जल्द यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगी। आप सर से बात कर लीजिएगा, आपको जब भी बुक करना हो तो फाइनेंस वगैरह की हर चीज़ से बात कर लीजिएगा। और दोस्तों यही था आज का हमारा छोटा सा वीडियो, और दोस्तों उम्मीद करूँगा कि आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ, और हमारे लिए कोई सुझाव हो तो उससे भी कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद हो उन लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। दोस्तों हम फिर मिलते हैं किसी ऐसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे इस ब्लॉग चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।